और राहुल गांधी के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस का चंडीगढ़ में सत्याग्रह। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में सत्याग्रह हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह सत्याग्रह। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में इस समय सत्याग्रह जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर मौजूद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी यहां पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब ऐसे में देखिए, पूरे देश में कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है और इस मुद्दे पर एग्रेशन के साथ इस समय कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। चाहे बात दिल्ली की करें, हिमाचल की करें, हरियाणा की करें, कांग्रेस इस समय एकजुट इस पूरे मुद्दे पर नजर आ रही है। राहुल गांधी के समर्थन में चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में इस समय सत्याग्रह चल रहा है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये सत्याग्रह हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस का चंडीगढ़ में ये सत्याग्रह। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये सत्याग्रह इस समय यहां पर चल रहा है। तो देखिए, कांग्रेस का लगातार सत्याग्रह जारी है और आज पूरे दिन आपको देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की जितनी तेजी कहीं ना कहीं दिखाई गई है, राहुल गांधी को सजा मिलने के 24 घंटों के भीतर ही उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में यहां पर लगातार आड़े हाथों कांग्रेस की ओर से लिया जा रहा है बीजेपी को। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में इस समय किस तरह की हलचल देखी जा रही है? देखिए बिल्कुल दीपशिका, चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं और हरियाणा कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर सत्याग्रह किया जा रहा है। हालांकि देश भर में जो कांग्रेस है उसकी तरफ से ये सत्याग्रह किया जा रहा है, अलग अलग कांग्रेस के जो प्रदेश मुख्यालय हैं वहां पर, और चंडीगढ़ में भी हरियाणा कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर ये पूरा सत्याग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। इस समय हम तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर जो सत्याग्रह है वो किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस सत्याग्रह को वो कर रहे हैं। और पूरे तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से कांग्रेस के कार्यालय के अंदर ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उदय भान जी, आप ये सत्याग्रह आप कर रहे हैं राहुल गांधी जी के समर्थन में, आप कांग्रेस के जो कार्यालय हैं वहीं पर बैठ करके एक सत्याग्रह किया जा रहा है, किस तरीके से आप इसको लेकर के एक जो अपना प्रदर्शन है उसको दिखाना चाहते हैं? नहीं, सब जगह कांग्रेस के कार्यालय नहीं है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैचू हैं वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर महात्मा गांधी जी के स्टैचू कहीं है नहीं। तो पहले भी सत्याग्रह हमने यहीं पर किया था, ऑफिस के सामने, ऑफिस के सामने, और यहाँ आज भी हम सारे हमारे जो वरिष्ठ हैं साथी वो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी जिला हेडक्वार्टरों पर हमारे ये प्रदर्शन सत्याग्रह चल रहे हैं। जहाँ गांधी जी के स्टैचू हैं वहाँ गांधी जी की मूर्ति के सामने हैं, जहाँ गांधी जी की स्टैचू नहीं है वहाँ अपना चित्र लगा कर कर रहे हैं। तो ये सीधा सा हमारा जो राहुल जी के बारे में जो फैसला आया है उससे हम अपने असहमति, जो एक अधिकार है वो हम जता रहे हैं, और कानूनी पहलू कानूनी तरीके से करेंगे, उसका हम अपील सेशन कोर्ट में हो रही है, सेशन कोर्ट के बाद में फिर कोई ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सत्याग्रह किस बात के खिलाफ है आपका? सत्याग्रह इस बात के खिलाफ है कि जो ये सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार, जो इस देश के संवैधानिक अधिकारों का जो हनन करने में लग रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का, जो आज जो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं आज उन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, एक साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। विपक्ष का कोई आदमी आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी सीबीआई, निर्णय तो कोर्ट का है, ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने निर्णय किया मानहानि का जो मुकदमा, जो निर्णय कोर्ट का है वो कोर्ट में, कोर्ट की बात हम कोर्ट में करेंगे, लेकिन
उस निर्णय से अपनी असहमति भी करेंगे कि भाई जिन बिंदुओं को देखा ही नहीं गया, अदालत ने उनकी उपेक्षा की, उनको देखा ही नहीं, भाई 27 फरवरी को प्रोसीडिंग शुरू करी और 23 मार्च को उन्होंने सजा सुना दी, उससे पहले 4 साल पहले पुराना था। 7 फरवरी को राहुल जी ने अपनी स्पीच दी थी लोकसभा में, जो अदानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी से पूछा था कि अदानी जी का आखिर में आपका क्या रिश्ता है और आज क्यों हमारी जो जो 82,000 करोड़ रुपए हमारे जो बैंकों के आज डूबने कगार पर हैं, 44,000 करोड़ LIC का डूबने कगार पर है, और जो बाहर से जो शैल कंपनियां, जो फर्जी कंपनियां आई हैं जिनके जरिए काला धन निवेश हुआ है अदानी जी की कंपनियों में, आखिर में वो किसका है? 23,000 करोड़ रुपया तो सीधा जो सबूत के साथ है कि जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये 23,000 करोड़ रुपया अदानी का नहीं हो सकता, अदानी का नहीं, या तो ये कहें कि अदानी का, वो पेपर कागजों में उनकी पुष्टि करें, और नहीं है तो ये बताएं ये 23,000 करोड़ है किसका, वो काला धन है, वो है तो किसका है, वो किसी नेता का है, किसी कोई किसी उद्योगपति का है, किसका है, तो ये तो सवाल पूछना गलत नहीं है। लेकिन वो सवाल पूछते ही क्या मिर्ची लगती है, पहले राहुल जी का पूरा भाषण ही हटा दिया, एक्सपंज कर दिया, और उधर खड़गे जी का भाषण एक्सपंज कर दिया। भैया आज तो लोकसभा राज्यसभा के TV भी चलते हैं, जो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं इसको भी बाहर कोई सुन सकता है विदेशों के अंदर, तो जो बात यहाँ कही वो वही राहुल जी ने बाहर कही है, जो बातें भाई जो बातें उठाई गई हैं उनका जवाब दो। विपक्ष का काम है सवाल करना और सत्ता पक्ष का काम है सवाल का जवाब देना, जो मुद्दे उठाए हैं अपने तर्कों से उनका जवाब दो। सत्याग्रह को लेकर के क्या ख्याल आया आप कांग्रेस का? सत्याग्रह का सीधा है कि हम जो गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया उसके माध्यम से, हम सत्याग्रह के माध्यम से अभी हम सारे ब्लॉकों पे सब जगह हम मीटिंग करेंगे, जिला लेवल पर रैलियां होंगी, और 2 अप्रैल को हमारी यमुनानगर में बड़ी रैली होने जा रही है 4 जिलों की, उसमें सारे मुद्दे उठाएंगे। 14 अप्रैल को हमारी सोनीपत में होगी बड़ी रैली, उसमें सारे मुद्दे उठाएंगे। उसकी तैयारी के लिए हम सारे ब्लॉकों में, सारे विधानसभाओं में जाएंगे, उनमें सारे मुद्दे उठाएंगे। जो भी सारे प्रदेश के हमारे ब्लॉक हैं, जो भी हमारे जो विधानसभाएं या जिला जो हैं, उनमें सब में जन जन तक, आखिर में जनता जनता के पास ही जाना, जनता ही इसका जो जवाब सरकार नहीं देगी तो उसका जवाब जनता देगी, जनता चुनाव के समय देगी। आप चुनावी तौर पर बुलाना चाह रहे हैं इस मुद्दे को? निश्चित तौर से चुनाव में हम इस बार सारे में चुनाव का ही मोड समझो, ये चुनाव के लिए तो ये कर रहे हैं सारा, तो वो सब जाएगा, चुनाव में भी ये सारे मुद्दे बनेंगे, ये जवाब लिए जाएंगे, और ये जनता सोचेगी कि हाँ ये सवाल उठाए गए थे ये सही थे गलत थे। आज कुछ महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भी कराने जा रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ, ज्वाइनिंग होंगी, और 4 बजे आप सादर आमंत्रित हैं, 4 बजे आप देखेंगे कि कौन कौन आज ज्वाइन होते हैं, काफ़ी चेहरे आपको पता है, पहले भी लगभग 22 XMLA पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, आज भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 3 तो कम से कम हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो और वरिष्ठ जो नेता हैं JJP से, BJP से, पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कई जो ना कई पदों पर जो हैं विपक्ष जो दूसरे दलों से, वो हमारी पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं काफ़ी लोग। पार्टी ज्वाइन करने का जो पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है, और कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह यहाँ पर किया जा रहा है, और कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस सत्याग्रह के अंदर शामिल होंगे, और पूरे तौर पर जो विरोध है खासतौर से राहुल गांधी को लेकर के जो फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था, और उसके बाद जिस तरीके से जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि तमाम वो जगह जहाँ पर गांधी प्रतिमा है या फिर उन जिलों में जहाँ प्रतिमा नहीं है तो फोटो लगा करके कहीं ना कहीं जो सत्याग्रह है वो किया जाए। इसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर भी ये सत्याग्रह देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस के जो और भी जो वरिष्ठ नेता हैं कुछ देर बाद शामिल हो जाएंगे, और फिलहाल भी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं, विधायक, पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर कांग्रेस का ये पूरा प्रदर्शन सत्याग्रह के तौर पर इस वक्त अगर हम बात करें हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर तो वहाँ पर बना हुआ है। जी,